अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम हैदराबादी गोश्त की तहरी बना रहे। तो यहाँ पर मैंने ना 1 किलो गोश्त लियो और यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 बड़े बड़े साइज के प्याज ली हूँ जिसको मैंने स्लाइसली चॉप करी हूँ। 4 मैंने बड़े बड़े साइज के टमाटर ली हूँ जिसको मैंने स्लाइसली चॉप करके ली हूँ। आलू ऑप्शनल है लेकिन हमारे घर में बच्चे खाते हैं आलू, इसलिए मैंने आलू उसमें ऐड करी हूँ। 2 आलू बड़े साइज के आलू ऐड करी हूँ। अगर आप नहीं खाते हो तो मत ऐड करो, वैसे ये रेसिपी में आलू नहीं जाते लेकिन बच्चे लोग खाते, इसीलिए मैं आलू ऐड कर रही हूँ। 1 किलो यहाँ पर बासमती राइस जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। मिर्ची देखो, हरी मिर्ची को मैंने क्या करी, बीच में से ऐसे इस तरीके से कट करके लियो, ठीक है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 200 ग्राम जितना इसमें दही जाएगा और 1 टेबलस्पून जितना इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 नींबू का रस जाएगा इसमें। रस इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो दही है, हैदराबाद में क्या खट्टा दही मिलता है, तो अगर आपके घर में खट्टा दही अवेलेबल है तो फिर आपने नींबू का रस जो है नहीं लेना है। लेकिन अभी ये फ्रेश दही बोल के देते ना तो ये मीठा दही रहता है, मतलब ये इसमें खट्टापन नहीं रहता है, तो इस वजह से इसको इसके अंदर खट्टापन लाने के लिए मैं 2 नींबू के रस इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। और गरम मसाले में इसमें जाएगा दालचीनी, दालचीनी का 2 टुकड़ा जाएगा और साजीरा जाएगा 1 टीस्पून जितना, 4 लौंग जाएगी, 4 काली मिर्च जाएगी और 4 जो है हरी मिर्च जाएगी। और इसको बनाने के लिए 200 से 250 ग्राम ऑयल लगेगा, तेल में बनेगा। अब बनाने का तरीका बताएंगे। 200 ग्राम तेल डाल दिए, इसमें पूरे खड़े गरम मसाले डाल दिए। अभी इसमें प्याज डालेंगे, अच्छा तड़कने देंगे और फिर प्याज डालेंगे और प्याज के साथ नमक डालिए तो प्याज जल्दी से कलर बदली कर लेता है। प्याज का कलर ऐसा ही बदली करने का, इससे ज्यादा नहीं। अभी अदरक लहसुन डालेंगे, उसकी कच्ची स्मेल डालने का कच्चे से बनेंगे। अभी इसमें गोश्त डालेंगे और गोश्त को अच्छे से 5-10 मिनट अच्छे से भुनेंगे और इसी के अंदर गोश्त पकाने का है, कुकर की कमी नहीं गलने तक। अभी इसके बाद हम दही डालेंगे, टमाटर डालेंगे गोश्त को भुनने के बाद। देखो अभी गोश्त भी अच्छे से भून के हो गया है, टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे। हैदराबाद वाले कांदे के पास टमाटर डालते, टमाटर के बाद फिर गोश्त डालते, तो हम लोग ऐसा नहीं किए क्योंकि हम लोग को ऐसा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसलिए अच्छा तो भून के लेते हैं फिर टमाटर का। गोश्त को भूनने से टेस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए गोश्त को हम लोगों ने भूने हैं। अब ये टमाटर क्या गोश्त के साथ में गल जाएंगे और जल्दी भी उसमें जल्दी भी गल जाता है गोश्त, ऐसा गोश्त भूनने के बाद। दही को भी उसमें डालेंगे, दही को भी मिक्स करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और फिर बाद में इसमें पानी अगर लगेगा तो पानी डालेंगे और ढककर इसको एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए। अगर आप गोश्त को कुकर में पकाना चाहते हो तो कुकर में भी पकाओ, हमारे इधर कुकर में नहीं बनाते, मतलब हैदराबाद में जो है ना ज्यादातर जो गोश्त है ना उन लोग ऐसे में ही पकाते हैं। और लोगों का गोश्त जल्दी गलता भी, अपना नहीं गलता जल्दी। हाँ, बॉम्बे का गोश्त मतलब नहीं पकता है, इधर हैदराबाद वाला जल्दी से पक जाता है। तो 15-20 मिनट में लोगों का गोश्त जो हैदराबाद वाला गोश्त है ना वो अच्छे से पक जाता है, और इधर थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। तो इसको कवर करेंगे अभी और देखेंगे, अभी पहला अगर इसमें पानी लगेगा तो और पानी डाल के इसको 1/2 आवर के लिए कवर करके रखेंगे। जब तक इसको कब तक पकाएंगे, जब तक कि गोश्त जो है अच्छे से गल नहीं जाता। पहले इसको कवर कर देते हैं, पहले देखेंगे अगर गोश्त के अंदर से जो पानी छूटेगा, अगर वो पानी बस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी तो थोड़ा अच्छे से छूट गया अभी, लेकिन फिर भी इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर, फास्ट फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसको 1/2 घंटे तक पकाएंगे, मतलब 1/2 आवर इसको पकाएंगे, जब तक कि जो गोश्त है वो अच्छे से गल नहीं जाता तब तक पकाएंगे। आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो इसको, सेम यही चीज जो मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन कुकर में वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा ये अभी हंडी में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आवर हो गया, 1/2 आवर से मैं इसको
मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। गोश्त को चेक करेंगे, मैं गोश्त को देखो ठंडे पानी में इसको डाल रही हूँ। वो मैं ठंडे पानी में इसीलिए डालती हूँ ताकि जो है ना, ये देखो अच्छे से पक गया है। ये देखिए गोश्त अच्छे से पक गया है, मतलब मैं उसको टच कर सकूँ ना, उस वजह से मैं इसमें ठंडे पानी में गोश्त को डालती हूँ। नींबू का रस इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, आलू। आलू को मैंने फ्राई करके ली थी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और चावल को मैंने धोकर, ये देखो चावल को मैंने धोकर आधे घंटे में, मतलब आधा घंटा पहले जब मैंने गोश्त रखी थी तभी मैंने आधा घंटा पहले जो है इसको अच्छे से धोकर भिगाने के लिए रख दिया था। अब पानी का हिसाब मैं बता दूं, पानी जो है मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन मैंने बताया है खिचड़ी या पुलाव जब भी बनाते हैं तो अगर 2 गिलास चावल है या 3 गिलास चावल है तो कोई भी, मतलब जितना भी आपके पास में चावल है उससे 1.5 गिलास जो आपने पानी है बढ़ के लेना है। मतलब 2 गिलास चावल है तो आपने 3.5 गिलास इसमें पानी डालना है। तो मैं अभी अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, आप अपने हिसाब से देख लेना। चावल अगर पुराने चावल है तो 2 गिलास बढ़कर डालो, और नए चावल है तो 1.5 गिलास बढ़कर आपने पानी डालना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी तो ऐड किया है, थोड़े चावल जो है ना मुझे नए चावल लग रहे हैं, तो अभी इसको मैं अच्छे से पानी सूखने तक पका लूंगी। यहाँ पर देखिए चावल का जो पानी है सूख गया है, बस हल्का बाकी है। तो क्या करेंगे, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और 15 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे। जितने भी कच्चे चावल अभी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी स्लो फ्लेम पर अच्छे से पक जाएंगे, 15 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए हैदराबादी मटन तहारी जो है वो बनकर तैयार है, अच्छे से पानी इसका सूख गया, चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अभी इसको मैं सर्व करने वाली हूँ। हमने ये चावल हमने ऑनलाइन मंगाए थे, बासमती चावल बोल के दिया है, लेकिन ये चावल नहीं है। देखो ये हमने ये बनाए हैं, तारी बनाए है, हैदराबादी तारी बनाए, मटन की तारी हाँ, लेकिन ये चावल वो बासमती नहीं है। तुम लोग कभी भी तुम लोग को चावल लगेगा तो बढ़िया की दुकान से लाओ, लेकिन ऑनलाइन मत मंगाओ। हम मंगा के, मतलब ऑनलाइन मंगा सकते हो लेकिन ये ब्रांड वाला नहीं मंगाना, चार मीनार लॉन्ग ग्रेन राइस जो बोलता है वैसा वो कुछ भी राइस नहीं है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, सेल था तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, मगर ये राइस जो है वो ना लॉन्ग ग्रेन राइस है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखो इस तरीके से ये तहारी बनी हुई है, हैदराबादी तहारी मटन की बनाई हमने, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनी है। ऐसे तुम भी बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अल्लाह हाफिज।